तो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला ओडीआई मुकाबला हो चुका है खत्म। अब बारी है दूसरे ओडीआई मुकाबले की, जहां इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच सेकंड ओडीआई मैच 19 मार्च 2023 संडे को खेला जाएगा विशाखापट्टनम के राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में, जहां दूसरा ओडीआई मुकाबला भी भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से यानी कि 1:30 PM से शुरू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। जहाँ अब ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरा ओडीआई मुकाबला करो या मरो का मुकाबला होगा। तो टीम इंडिया ने पहला ओडीआई मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब ऐसे में टीम इंडिया को इस 3 ओडीआई मैचों की सीरीज जीतने के लिए बाकी बचे 2 ओडीआई मुकाबलों में से मात्र 1 ओडीआई मुकाबला और जीतना है। तो ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए अब यहां से बाकी के 2 के दोनों ही मुकाबले जीतने होंगे अगर यह सीरीज जीतना है। अगर यहां से 1 भी ओडीआई मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी तो यह सीरीज भी गंवा देगी टेस्ट सीरीज की तरह। जहां एक तरफ टीम इंडिया में वापसी होने जा रही है, दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के जबरदस्त कप्तान हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा की, जी हां रोहित शर्मा दूसरा ओडीआई मुकाबला खेलेंगे, साथ ही साथ अब कप्तानी भी करते हुए दिखाई देंगे। पहला ओडीआई मुकाबला नहीं खेले थे अपने फैमिली रीजंस की वजह से। तो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगा एक और तगड़ा झटका, जहां इससे पहले पैट कमिंस तो वहीं जे रिचर्डसन इस 3 ओडीआई मैचों की सीरीज से पूरी तरह से बाहर हो गए थे। अब इनके जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन एलेक्स केरी जो कि फिलहाल बीमार हो गए हैं, बीमारी की वजह से ये दोबारा इन्हें ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दिया गया है। तो एलेक्स केरी भी इस 3 ओडीआई मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि पहले ओडीआई मुकाबले में डेविड वार्नर को नहीं खिलाया गया था, लेकिन अब दूसरे ओडीआई मुकाबले में वार्नर की भी वापसी होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में। तो आखिर दूसरे ओडीआई मुकाबले के लिए क्या होने वाली है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11, दोनों ही टीम किन-किन बदलाव के साथ मैदान में उतरने वाली है दूसरा ओडीआई मुकाबला जीतने के लिए, जबकि इस मुकाबले की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की आखिर किसका पलड़ा भारी है पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईपीएल और क्रिकेट के वर्ल्ड में सबसे फास्ट है, हर एक न्यूज अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया है, तो लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 ओडीआई मैचों की सीरीज का दूसरा ओडीआई मुकाबला 19 मार्च 2023 संडे को खेला जाएगा विशाखापट्टनम में। अब जहां पहले ओडीआई मुकाबले के मैन ऑफ द मैच विनर रहे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने शानदार जबरदस्त ऑलराउंडर प्रदर्शन किया, पहले तो 2 विकेट छटकाए थे, उसके बाद बल्ले से भी 45 रनों की शानदार जबरदस्त पारी खेली थी। लेकिन टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा अगर मैच विनर खिलाड़ी रहा पहले ओडीआई मुकाबले में तो वो थे केएल राहुल, जिन्होंने पहले तो विकेट कीपिंग काफी शानदार की थी, उसके बाद जब टीम इंडिया मुकाबला हार रहा था, एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, तो वहां पर केएल राहुल ने आकर एक छोर संभाला और काफी शानदार जबरदस्त पारी खेली, जहां केएल राहुल ने 75 रनों की शानदार जबरदस्त नाबाद पारी खेली, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने पहला ओडीआई मुकाबला आसानी से जीत लिया था। जहां टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी पहले ओडीआई मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, चाहे मोहम्मद शमी हो या फिर मोहम्मद सिराज, दोनों ने 3-3 अहम विकेट छटकाए थे। जबकि टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पहले ओडीआई मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप रहा था, मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शानदार जबरदस्त गेंदबाजी की थी, लेकिन अब रोहित शर्मा की वापसी से भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाएगा। अब दूसरा वनडे मैच विशाखापट्टनम के राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस मैदान पर अब तक क्रिकेट के इतिहास में टोटल 9 ओडीआई इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए, जिसमें पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम को मात्र 9 में से 3 ही मैच में जीत मिली है, यानी कि 3 मैचेस डिफेंड हुए। तो वहीं चेस करने वाली टीम को सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 9 में से 5 मैचों में शानदार जीत मिली है। तो इस मैदान पर चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड काफी शानदार है, जहां एक मैच टाई भी रहा है। अब इस मैदान का जो एवरेज स्कोर है, औसत स्कोर है ओडीआई फॉर्मेट में, वो है 295 रन। इस मैदान का सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा स्कोर 387 रन है, जो कि भारत ने बनाया था, जबकि इस मैदान का सबसे लोवेस्ट सबसे छोटा स्कोर है 79 रन, जो कि न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई थी। जबकि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें कि आखिर किसका पलड़ा भारी है, तो इन दोनों टीमों के बीच अब तक क्रिकेट के इतिहास में टोटल 144 ओडीआई मुकाबले खेले गए, जिसमें से भारतीय टीम को 54 ओडीआई मैच में शानदार जीत मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम को 80 ओडीआई मुकाबले में जीत मिली है। तो यहाँ पर पलड़ा कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया टीम का काफी भारी दिखाई दे रहा है, जबकि 10 मैचेस 9 रिजल्ट भी रहे। तो चलिए बात करते हैं दूसरे ओडीआई मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है। एज ओपनर नंबर 1 पर होंगे हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, भारतीय टीम के जबरदस्त
से विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज और कप्तान जो करेंगे पारी की शुरुआत दूसरे ओडीआई मुकाबले में और कप्तानी भी करेंगे। नंबर दो पर होंगे शुभमन गिल, जबरदस्त युवा ओपनर बल्लेबाज तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल करने वाले ओपनिंग के बल्लेबाजी, जहां ईशान किशन को दूसरे ओडीआई मुकाबले से मोस्ट लाइकली ड्रॉप किया जाएगा। बात करें नंबर तीन की तो नंबर तीन पर होंगे किंग कोहली यानी कि विराट कोहली दरन मशीन, जबकि नंबर चार पर होंगे सूर्य कुमार यादव, जबकि नंबर पांच पर होंगे केएल राहुल, टीम इंडिया के जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर बैट्समैन। नंबर छह पर होंगे हार्दिक पांड्या, भारतीय टीम के जबरदस्त ऑलराउंडर, जहां दूसरे और तीसरे ओडीआई मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के वाइस कैप्टन होंगे, उप कप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो वही नंबर सात पर होंगे रविंद्र जडेजा, हरफन मौला खिलाड़ी, पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच विनर, जबकि नंबर आठ पर होंगे शार्दुल ठाकुर, जबकि नंबर नौ पर कुलदीप यादव जाना मैन स्पिनर, नंबर दस पर मोहम्मद शमी एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, तो वही नंबर ग्यारह पर होंगे मोहम्मद सिराज युवा तेज गेंदबाज। तो ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 दूसरे ओडीआई मुकाबले के लिए, जहां पर शार्दुल ठाकुर की जगह पर अक्षर पटेल या फिर वाशिंगटन सुंदर, इन दो में से किसी एक को भी खिला सकते हैं। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की, तो एज ओपनर नंबर एक पर होंगे डेविड वॉर्नर, जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज करने वाले वापसी दूसरे ओडीआई मुकाबले में। नंबर दो पर मिचेल मार्श, जिन्होंने पहले ओडीआई मैच में शानदार जबरदस्त बल्लेबाजी किया था, जो कि एक शानदार बैटिंग ऑलराउंडर माने जाते हैं। नंबर तीन पर होंगे स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया टीम के जबरदस्त बल्लेबाज और इस ओडीआई सीरीज के लिए वो कप्तान चुने गए, जबकि नंबर चार पर होंगे मानस लबूसेन, नंबर पांच पर जोश इंग्लिश विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर छह पर ग्लेन मैक्सवेल, जबकि नंबर सात पर कैमरन ग्रीन, जबकि नंबर आठ पर मार्कस स्टोइनिस बेहतरीन ऑलराउंडर, नंबर नौ पर स्टीन अबॉट होंगे, जबकि नंबर दस पर मिचेल स्टार्क तेज गेंदबाज और नंबर ग्यारह पर होंगे आदम जम्पा स्पिनर। तीसरे दूसरे ओडीआई मुकाबले के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके अनुसार दूसरा ओडीआई मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, कि जीतेगी टीम इंडिया या फिर जीतेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम।